अजमेर का दिगंबर जैन तीर्थ नारेली अजमेर ज्ञानोदय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये यहाँ स्वागत की परंपरा होती है, कोई भी आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ है जहाँ आज आने का अवसर मिल रहा है। बहुत प्राचीन लेकिन बहुत अद्भुत, हमको ये बहुत ध्यान से देखने की आज आवश्यकता है और हमको आनंद आएगा। अब आप अगर हम देखें इस मंदिर को, इसकी बनावट को, तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। ये यहाँ का प्रवेश द्वार है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम ले जाना है क्या कर रहे हो? जस्ट ये देखिए, नारेली दिगंबर जैन तीर्थ। हमारी भारतवर्ष में इस तरह के जो तीर्थ होते हैं वो अपने आप में बहुत अद्भुत होते हैं। यहाँ आने के बाद हमारा मन स्वतः ही आनंद से सराबोर हो जाता है। और ये जैन तीर्थ जो लगता है पूरी पहाड़ी को इसने रमणीक बना दिया, और आज इसको देखने का बहुत शुभ अवसर मिल रहा है। मैं राजेंद्र नरू का अक्सर ऐसे तीर्थों में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है और फिर इच्छा होती है कि हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से इन तीर्थों की कुछ सुंदरता को बयां करें। देखिए, ये एक संगम होता है जहाँ आध्यात्मिकता, हमारी जो परंपरागत जो रुचि होती है, हरियाली, उसको मेंटेन, एक प्राकृतिक सौंदर्य है जिसको कहते हैं, इस तरह का ये सब दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से इसको जिन्होंने बनाया होगा वो सब भी देवतुल्य हैं, क्योंकि इनको बनाना और इनको फिर मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। गुरु उपासना की सुंदरता की बात हो या अच्छा, अपन गाड़ी आगे तक जाती है, ठीक है। तो आज हमारे साथ में भाई अमर सिंह है, जिनके कारण हमको ये सब दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये एक एक जो कुटिया है बहुत बड़ा संदेश दे रही है। यहाँ स्वाध्याय की बात हो रही है और स्वाध्याय कितना ज़रूरी है वो इस चित्रण से हमको समझ में आ जाना चाहिए। शल्यों का त्याग, जी तीन शल्यों का त्याग, मौन के सात स्थान और सात अंतराय। ये देखिए, ये सब एक एक बातें आज हमको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अब ये देखिए, इस पूरे नज़ारे को देख के हम सच में धन्य हो गए। और यहाँ बहुत सारे, मुझे लगता है ये अजमेर का एक विहंगम नज़ारा इस नारेली तीर्थ का। ये पूरा ये मैं नमन करता हूँ इसके तमाम जो भी लोग हैं जो इसके पूरे मैनेजमेंट को, साधुवाद है। बहुत कमाल का ये तीर्थ है और ये निश्चित रूप से आज आनंद आ गया। यहाँ देखिए, संयम की बात हो रही है, संयम से लेके, और यहाँ संयम के बिना जीवन संभव नहीं है। संयम के बिना कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जीवन परिष्कृत हो जाए, और वो भी इंद्रियों पे संयम बहुत आवश्यक है। त्याग करने योग सत्य व्यसन की यहाँ बात हो रही है। जुआ, मदुरापान, मांसाहार, वैश्यागमन, शिकार, चोरी। आप कुछ कह रहे हैं सर? अब यहीं हैं? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। आज हमारी इच्छा हुई कि हम इसको इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। और आप देखिए, यहाँ के कर्मचारी भी अपने आप में पूरे समर्पित भाव से काम करते हैं। और श्रावक के अष्ट मूल गुण क्या होते हैं इसको बताया है। तप की महिमा को तो हम सोचिए, ये चित्र कितना खूबसूरती से बता रहा है कि भले ही हिंसक जानवर शरीर को छत विच्छत कर दे, नुकसान पहुंचा दे, लेकिन तप को कोई विचलित नहीं होते हैं साधु। और आज ये देखिए, श्रावक की 11 प्रतिमाएं, यहाँ एक से एक अनूठी बातें हैं।
और ये दान की महिमा। दान तो देखिए, धन्य है ये 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 चित्रण को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। और आप देखिए यहाँ सब कुछ समझिए, दान कर दिया है या दान को समझाने की कोशिश की है कि हम केवल वस्त्रों का भी दान कर दें या वस्त्र भी नहीं पहने। ये श्रावक के 12 व्रत बताए हैं। जैन धर्म एक तपस्या से भरा हुआ धर्म है और यहाँ अलग अलग तरह की बहुत सारी तपस्याएं होती हैं। ये सामने का जब हम इस विहंगम नज़ारे को देखते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाएगा, बहुत खुशी होगी। इसे इस पहाड़ी को और सुंदर बना दिया है इस तीर्थ ने। अब यहाँ से हम इस मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ेंगे और लगता है यहाँ से हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। और इसी के साथ इस कहानी को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन आगे की कहानी भी बहुत सुंदर है, उसको भी हम देखेंगे। जय जिनेंद्र, प्रणाम।